हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन अबाउट नाइट वॉच। मूवी के शुरू में हम चार दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से लड़कों का नाम मार्टिन और जेम्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स का नाम कैथरीन और मैरी था। वो सभी एक बार में मजे करने आए थे और सभी ही कॉलेज स्टूडेंट थे। वो चारों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे कि तभी मार्टिन उन्हें बताता है कि उसे एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली है, जिसके लिए वो कल बात करने जाएगा। वो उन्हें ये सब बता ही रहा था कि तभी मार्टिन और जेम्स टीवी पर एक न्यूज देखने लगते हैं, जिसमें किसी मर्डरर ने एक को फिजिकली अब्यूज करके मार दिया था और इस केस को शहर के जाने माने ऑफिसर थॉमस क्रे संभाल रहे थे। चारों दोस्तों के बारे में फन के बाद हम अगले दिन मार्टिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो गार्ड की नौकरी के लिए आया था। हॉस्पिटल में आते ही वहां का सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन को वहां की जगह दिखाने लगता है, जहां वो उसे सबसे पहले एक रूम दिखाता है जहां लोगों के ऑर्गन्स रखे गए थे। फिर वो उसे एक और रूम दिखाता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड गैस भरी हुई थी, जो कि ज्यादातर डॉक्टरी से रिलेटेड कामों में इस्तेमाल की जाती है। ये दो कमरे दिखाने के बाद वो गार्ड उसे लिफ्ट से नीचे ले जाते हुए एक मुर्दा घर दिखाता है, जहां वो उसे उसका असली काम समझाता है कि ड्यूटी के दौरान उसे एक स्पेसिफिक टाइम पर यहां नीचे आना है और अपने कमर पर लटके लॉक को मुर्दा घर में लटकी चाबी से खोलना है। वो उसे ये भी बताता है कि काम करने के दौरान उसके लिए बेहतर होगा कि वो डेड बॉडीज की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे, और इतना कहकर वो उसकी स्टाफ फाइल बना देता है। साथ ही वो उसे बार बार कहता है कि ड्यूटी के वक्त उसे एक रेडियो ले लेना चाहिए। गार्ड की बात सुन मार्टिन उसकी हां में हां मिलाता है, जिसके बाद हम अगले सीन में मार्टिन और जेम्स को कॉलेज में देखते हैं। जेम्स मार्टिन को कॉलेज में आने की वजह उसे फिल्म चलने देखने का ऑफर देता है, पर मार्टिन उसे जबरदस्ती टीचर के लेक्चर अटेंड करवाने ले जाता है। रात होते ही मार्टिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपनी ड्यूटी करने के लिए, जहां शुरू में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब आखिरी डॉक्टर भी वहां से लाइट बंद कर चला जाता है तो मार्टिन थोड़ा घबराने लगता है। पर मार्टिन अपनी घबराहट को कम करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई कर और गाना बजाकर। ऐसे ही जब वो गाना बजा रहा था भी उसकी अलार्म बजने लगती है, जिसे सुन मार्टिन नीचे मुर्दा घर में जाता है और घबराते हुए वहां रखी चाबी से अपने सिक्योरिटी लॉक को खोलता है, जिसके बाद वो तुरंत ऊपर आ जाता है। अगले दिन हम चारों दोस्तों को बार में फिर से देखते हैं, जहां मार्टिन तीनों को अपनी जॉब के बारे में बताता है। वो चारों वहां एंजॉय ही कर रहे थे कि तभी वहां दो मुस्टंडे आदमी एक लड़के को पीट देते हैं। इसके साथ ही जब कैथरीन और मैरी बाथरूम जा रही थी तभी वो दोनों उन्हें छेड़ते हैं। दोनों गर्ल्स की बेइज्जती होने के बावजूद भी मार्टिन और जेम्स कुछ नहीं करते, जिस वजह से वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। पर गर्ल्स के जाते ही मार्टिन जेम्स को चैलेंज करता है उन मुस्टंडों को सबक सिखाने के लिए, और जेम्स उसका चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिस पर मार्टिन तुरंत उससे कहता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। पर अब जेम्स पीछे नहीं हटता और उन मुस्टंडे आदमियों के पास जाकर एक्टिंग करने लगता है कि वो एक डायरेक्टर है और उसे कब से उन दोनों जैसों की तलाश थी। जेम्स की इन झूठी बातों को सुन उन्हें उस पर यकीन हो जाता है, इसलिए वो जेम्स को अपनी बात आगे बढ़ाने को कहते हैं और जेम्स इस बार उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए इनडायरेक्टली की बेइज्जती करता है, जिसे वो लोग समझ जाते हैं, इसलिए वो उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। पर मार्टिन उसे बचाकर बाहर ले जाता है और बाहर जाते वक्त भी जेम्स उनकी खूब बेइज्जती करता है। इसके बाद जब वो दोनों कार में घर जा रहे थे तभी जेम्स मार्टिन को बताता है कि वो एक जॉइस नाम की प्रोस्टिट्यूट के साथ सो चुका है और ये काम उसने मैरी को बिना बताए किया था। वो मार्टिन को अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर करते हुए ये भी कहता है कि अभी जब बार में उन मुस्टंडों से जो फाइट हुई थी उसे सभी लोगों ने एंजॉय और फील किया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे कुछ भी फील नहीं हुआ और ना ही उसने उस फाइट को एंजॉय किया। मार्टिन जेम्स की हताश बातें सुन उसे चेयर अप करता है, लेकिन जेम्स उसे थैंक यू कहने के बजाय उल्टा उसे एक चैलेंज दे देता है, जिसमें वो उसे उसी प्रोस्टिट्यूट के साथ सोने को कहता है जिसके साथ वो सोया था। मार्टिन ये चैलेंज एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, पर जेम्स के इंसिस्ट करने पर वो उसे हाँ कह देता है। इसके बाद अगले दिन मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और रात को बड़े मजे में गाने सुनकर अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन जब वो एंजॉय कर रहा था तभी उससे गलती से रेड अलार्म टूट जाता है, जिसे वो जुगाड़ लगाते हुए ठीक कर देता है। पर तभी अचानक उसके पीछे से इंस्पेक्टर क्रे, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वहां आ जाते हैं और मार्टिन से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। दरअसल इंस्पेक्टर क्रे को वहां इसलिए आना पड़ा था क्योंकि एक संगीन क्रिमिनल ने एक प्रोस्टिट्यूट की हत्या कर दी थी और इंस्पेक्टर क्रे उसी की लाश को देखने वहां आए थे, जो कि वो देखकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन मार्टिन को फिर से ड्यूटी पर देखते हैं, लेकिन इस बार उसके बगल में लगा रेड अलार्म बज जाता है, जिसे देख मार्टिन तुरंत रिसेप्शनिस्ट को फोन करता है, लेकिन वो तो उसे बचाने के बजाय उल्टा उसे नीचे जाकर प्रॉब्लम चेक करने को कहती है, जो कि एक रिस्की काम था, पर और कोई चारा न होने की वजह से मार्टिन को नीचे जाना पड़ता है। और जब वो लाइट ऑन करते हुए मुर्दा घर में जाता है तभी अचानक वहाँ एक लाश उठने लगती है, पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स था, जो कि मार्टिन के साथ मजाक कर रहा था। जेम्स के इस मजाक से मार्टिन बहुत डर जाता है, लेकिन जेम्स उसे बताता है कि हॉल का मेन गेट खुला होने की वजह से वो खुद को उस पर प्रैंक करने से रोक नहीं पाया। इसके साथ ही वो
उसे बताता है कि वो यहाँ उसे ये याद दिलाने आया है कि कल उसने जॉयस के साथ उसकी मीटिंग अरेंज कर दी है और उसे कल आना ही होगा। इतना कहकर जेम्स वहाँ से चला जाता है और जेम्स के जाते ही वहाँ एक डॉक्टर आता है जो कि रेड अलार्म बजने की वजह देखने आया था। पर मार्टिन उसे कैसे बताता कि अलार्म उसके फ्रेंड की वजह से बजा था, इसलिए वो उसे झूठ बोलते हुए कह देता है कि वो अलार्म कोई रेड अलार्म नहीं था बल्कि उसके घड़ी की आवाज थी। ये बात जैसे ही वो डॉक्टर सुनता है तो वो इनडायरेक्टली मार्टिन की बेइज्जती कर देता है। खैर, इस सीन के बाद हम अगले दिन मार्टिन को जॉयस के साथ डिनर पर देखते हैं जिसे जेम्स ने बुलाया था। पर जॉयस मार्टिन से हाय हेलो से बात शुरू करने की बजाय उसे टेबल के नीचे से चरम सुख देने लगती है, जिस वजह से होटल का वेटर वहां आकर उन्हें वहां से जाने को कहता है। पर एन वक्त पर ही जेम्स वहां आकर मामला संभाल लेता है और इसके बाद वो मार्टिन पर खूब हंसता है, यानी ये सब उसका ही किया धरा था। मार्टिन पर हंसने के बाद वो जॉयस से फेवर मांगने लगता है, जिनमें से ज्यादातर फेवर काफी अजीब थे, जैसे कि मुझे आई लव यू फील कराओ, विस्की पीकर दिखाओ और यहाँ तक कि अपने कस्टमर्स के बारे में बताओ। जॉयस पैसे की खातिर जेम्स के सारे फेवर पूरे करती है और वो ऐसा करते वक्त रो भी रही थी। पर उन दोनों की बातों में मार्टिन काफी हैरान था क्योंकि उसने अपने दोस्त को कभी भी इस रूप में नहीं देखा था। खैर, इसके बाद हम मूवी में आगे मार्टिन को फिर से देखते हैं जो कि इस बार बिना घबराए बड़े मजे में अपनी ड्यूटी कर रहा था। पर जब वो ऐसे ही मजे करते हुए मुर्दाघर में जाता है तो पाता है कि वहाँ वो लाश गायब थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर क्रे कर रहे थे, पर जमीन पर अभी भी उस लाश के खून के निशान थे। इसलिए मार्टिन उन्हें फॉलो कर लाश तक पहुँच जाता है और अगली पल वो डॉक्टर को बुलाकर वहाँ लाता है लाश दिखाने के लिए। पर जब डॉक्टर वहाँ आता है तो उसे वहाँ कोई लाश नहीं मिलती, इसीलिए वो मुर्दाघर में जाकर चेक करता है तो उसे वहाँ वो लाश मिल जाती है और वो भी उसी हालत में जैसे वो पहले थी। लाश को सही सलामत देख डॉक्टर मार्टिन को ताने मारने लगता है, पर तभी इंस्पेक्टर क्रे वहाँ आकर मार्टिन की साल लेने लग जाते हैं और इसके साथ ही वो उसे ऊपर ले जाकर समझाते हैं और अपना कार्ड देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस हादसे के बाद मार्टिन बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए वो कैथरीन के पास जाकर खुद को कम्फर्ट फील कराता है। मूवी का सीन बदलते ही हम जॉयस को देखते हैं जो किसी से मार्टिन की लाइफ को तबाह करने के बदले में उससे ड्रग्स मांग रही थी, पर वो आदमी कौन था ये हम नहीं देख पाते। इसके बाद अगले दिन जॉयस कैथरीन से मिलती है और उसे अपने और मार्टिन के बारे में कुछ गलत बातें बता देती है, जिस वजह से मार्टिन और कैथरीन में झगड़ा हो जाता है। पर ये तो कुछ भी नहीं था क्योंकि जब मार्टिन रात को हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाता है तो सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और वो उसे इस वजह से घूर रहे थे क्योंकि पिछली रात को मुर्दाघर में किसी ने फीमेल डेड बॉडी को फिजिकली असॉल्ट किया था और अब चूंकि मार्टिन यहाँ का इकलौता सिक्योरिटी गार्ड था इसलिए सभी लोग उस पर शक कर रहे थे। सभी लोगों के अपोजिट इंस्पेक्टर क्रे मार्टिन की मदद करते हुए कहते हैं कि अगर उसे किसी पर शक हो तो वो उन्हें बता सकता है, जिस पर मार्टिन ज्यादा न सोचते हुए जॉयस का नाम लेता है क्योंकि उसने एक बार उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में दरार डालने की कोशिश की थी। जॉयस के अलावा मार्टिन को जेम्स पर भी शक था, इसलिए वो अगले दिन उससे मिलने जाता है। पर जब वो उसे कल रात की सारी बात बताता है तो जेम्स उस पर हंसने लगता है और कहता है कि पुलिस ने तुम जैसे गलत आदमी पर शक कर लिया। इसके साथ ही जब मार्टिन उससे सीरियस होकर पूछता है कि कहीं इस सब में उसका तो कोई हाथ नहीं, तो इस पर जेम्स फिर से हंसने लगता है, जिस वजह से मार्टिन वहां से गुस्से में चला जाता है। और इसके अगले सीन में हम जॉयस को देखते हैं जो म्यूजिक ऑन करके उसी आदमी के साथ डांस करने वाली थी जो मार्टिन को फंसा रहा था। वो आदमी जॉयस के साथ डांस करने की बजाय उसे छुरा घोप कर मार देता है और जब वो किलर बाथरूम में अपने हाथ धोने जा रहा था तभी कत्ल वाले कमरे में कैथरीन आ जाती है क्योंकि उसे अपने घर पर जॉयस का मैसेज आया था कि वो मार्टिन से मिलना चाहती है, पर मार्टिन तो घर पर था नहीं, इसलिए वो मैसेज कैथरीन ने सुन लिया, जिस वजह से वो जॉयस से मिलने यहाँ आई। प्रेजेंट में जॉयस की बॉडी देख कैथरीन डर जाती है और तुरंत पुलिस को फोन करने लगती है, पर जब वो पुलिस को फोन कर रही थी तभी उसे बाथरूम से बाहर आते किलर का हाथ दिख जाता है, जिस वजह से वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। और वहीं दूसरी ओर जब वो किलर बाथरूम से बाहर आता है तो हम देख पाते हैं कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर क्रे थे जो कि एक सीरियल किलर था जो हमेशा लड़कियों का खून करने के बाद उनकी आंखें निकाल लिया करता था। वो जॉयस के साथ भी ऐसा ही करता है। इसके साथ ही वो मार्टिन को फंसाने के लिए जॉयस की बॉडी के बगल में खून से उसका नाम लिख देता है। जॉयस की डेथ हो जाने की वजह से इंस्पेक्टर बिल जो कि इंस्पेक्टर क्रे का पार्टनर था मार्टिन के घर आते हैं क्योंकि उसे जॉयस की लाश के बगल में मार्टिन का नाम लिखा हुआ मिला था। वो मार्टिन को वहाँ ढूंढने आए थे पर मार्टिन के घर पर ना होने की वजह से वो उनके दोस्तों से उसकी पूछताछ करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि जेम्स ने सबके बीच टेबल पर एक फोन रख दिया है और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि फोन की दूसरी तरफ मार्टिन था और जेम्स अपने दोस्त की मदद करते हुए उसे इंस्पेक्टर बिल की सारी बातें सुना रहा था। वही मौजूद इंस्पेक्टर बिल जब अपनी पूछताछ में जॉयस की डेथ का जिक्र करते हैं तो कैथरीन उन्हें वो सब कुछ बता देती है जो उसने जॉयस की डेथ सीन पर देखा था। दूसरी तरफ मार्टिन इन सब की बातें सुनने के बाद एक चीज रियलाइज करता है कि जो कुछ भी गलत हो
रहा है वो सिर्फ उसी के साथ हो रहा है, इसलिए वो समझ जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में ही कुछ प्रॉब्लम है। और ये रियलाइज कर वो स्टाफ रूम में जाकर स्टाफ की फाइल चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे रिकॉर्ड में सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की फाइल मिलती है जो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर क्रे ही था। सारा मांजरा समझने के बाद मार्टिन सोच में पड़ ही जाता है कि तभी उसे इंस्पेक्टर क्रे का फोन आता है, जो फोन पर उसका ध्यान भटकाते हुए उसके पीछे से आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। पर जेल ले जाने से पहले क्रे के कुछ और ही प्लान्स थे, इसलिए वो मार्टिन को मुर्दा घर में ले जाकर एक बैट देते हुए उसे उस पर वार करने के लिए ब्लैकमेल करने लगता है। और वो मार्टिन से ऐसा इसलिए करवा रहा था ताकि जो इसके कत्ल में मार्टिन मर्डरर की तरह लगे। मूवी में आगे जब मार्टिन क्रे पर बैट मारता है तभी कैथरीन वहाँ आ जाती है और वो मार्टिन को ऐसा करते देख उसे मर्डरर समझने लगती है, इसलिए वो क्रे की जमीन पर पड़ी हुई गन को उठाकर क्रे के साथ बाहर जाते हुए मार्टिन को मुर्दा घर में बंद कर देती है। और जब वो दोनों लिफ्ट से ऊपर आते हैं तो कैथरीन जॉयस के डेथ सीन के बारे में कि जब जॉयस का कत्ल हुआ था तब वो वहीं थी ये बात क्रे को बता देती है। कैथरीन की बात सुन क्रे समझ जाता है कि कैथरीन जॉयस के डेथ सीन की आई विटनेस है, इसलिए वो उसे टेप से बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक मार्टिन किसी तरह मुर्दाघर का गेट तोड़कर वहां तक पहुंच जाता है। और मार्टिन के एफर्ट्स का कोई फायदा नहीं था क्योंकि क्रे ने कैथरीन को हॉस्टेज बना लिया था और वो इसी चीज का फायदा उठाकर मार्टिन को भी बंदी बना लेता है। पर जब वो ये सब कर रहा था तभी इंस्पेक्टर विल और जेम्स हॉस्पिटल के मेन गेट बजाने लगते हैं, जिस वजह से क्रे उनसे मिलने ऊपर जाता है और उनके सामने ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो दोनों को वहां से भगाने के लिए दोनों से ये कह देता है कि मार्टिन जरूर इस शहर से भागने के लिए कैथरीन के साथ रेलवे स्टेशन गया होगा। क्रे के मुंह से इतनी हार्श बातें सुन जेम्स अपने दोस्त के मत में बोलता है और ये बात क्रे को पसंद नहीं आती, इसलिए वो बिल से कह उसे हथकड़ी पहना देता है। हथकड़ी पहनाने के बाद जब बिल जेम्स को लेकर वहां से जा रहा था तभी कैथरीन अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल कर इमरजेंसी अलार्म बजा देती है, जिसकी आवाज इंस्पेक्टर बिल सुन लेते हैं। और आवाज सुन वो गार्ड रूम में जाते हैं सिग्नल को चेक करने के लिए, पर तभी क्रे पीछे से जेम्स पर एक बैट मारता है और इसके बाद वो बिली के सर पर बहुत जोर से उसी बैट को मारता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर बिली की मौजूदा जगह पर ही डेथ हो जाती है। बिली को ठिकाने लगाने के बाद वो जेम्स को हैंडकफ से एक पाइप में लॉक कर देता है और नीचे जाकर मार्टिन और कैथरीन की आंखें निकालने की तैयारी में लग जाता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें हार्म पहुंचाता जेम्स ऊपर एक नाइफ का इस्तेमाल करते हुए अपना अंगूठा काट लेता है, जिससे वो हैंडकफ से आजाद हो जाता है। और दूसरे ही पल वो इंस्पेक्टर बिल की गन उठाकर सीधे नीचे जाकर क्रे में बहुत सारी गोलियां उतार देता है, जिससे फाइनली मार्टिन और कैथरीन की जान बच जाती है। और इसके अगले ही पल वहां बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जहां हॉस्पिटल के बाहर मार्टिन जेम्स से कहता है कि लेट्स ग्रो ओल्ड टुगेदर, जिसका मतलब था कि चलो साथ में बूढ़े होते हैं। अपने दोस्त से इतना कहने के बाद मार्टिन वहां से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो एक आखिरी बार उस हॉस्पिटल को देखता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।